बमलेश्वरी देवी मंदिर। बमलेश्वरी देवी मंदिर भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ नगर में 490 मीटर 1610 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित एक हिंदू मंदिर है। इसे कभी कभी बड़ी बमलेश्वरी मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि इस परिसर से आधा किमी दूर नीचे एक अलग छोटी बमलेश्वरी मंदिर भी स्थित है। ग्वार मास की नवरात्रि और चैत्र मास की नवरात्रि को यहाँ दर्शन के लिए भारी भीड़ एकत्र होती है। नवरात्रि में यहाँ ज्योतिकलश प्रकाशित किया जाता है। डोंगरगंज चारों ओर हरी भरी पहाड़ियों, छोटे बड़े तालाबों एवं पश्चिम में पनियाजोग जलाशय, उत्तर में धारा जलाशय तथा दक्षिण में मडियान जलाशय से घिरा प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण स्थान है। कामाख्या नगरी व डुमराज्य नगर नामक प्राचीन नामों से विख्यात डोंगरगढ़ में उपलब्ध खंडहरों एवं स्तंभों की रचना शैली के आधार पर शोधकर्ताओं ने इसे कल्चुरी काल का एवं 12वीं-13वीं सदी के लगभग का पाया है। किंतु अन्य सामग्री जैसे मूर्तियों के गहने, अनेक वस्त्रों, आभूषणों, मोटे होंठ एवं मस्तक के लंबे बालों की सूक्ष्म मीमांसा करने पर इस क्षेत्र की मूर्तिकला पर गोडकला का प्रभाव परिलक्षित हुआ है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि 16वीं शताब्दी तक डुमराज्य नगर गोड राजाओं के आधिपत्य में रहा। गोड राजा पर्याप्त सामर्थ्यवान थे, जिससे राज्य में शांति तथा व्यवस्था स्थापित थी। यहाँ की प्रजा भी संपन्न थी, जिसके कारण मूर्तिशिल्प तथा गृह निर्माण कला का उपयुक्त वातावरण था। लोकमतानुसार अब 2200 वर्ष पूर्व डोंगरगढ़ प्राचीन नाम कामाख्या नगरी में राजा वीरसेन का शासन था, जो कि निसंतान थे। पुत्र रत्न की कामना हेतु उसने महिषामतीपुरी में स्थित शिवजी और भगवती दुर्गा की उपासना की, जिसके फलस्वरूप रानी एक वर्ष पश्चात पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ज्योतिषियों ने नामकरण में पुत्र का नाम मदनसेन रखा। भगवान शिव एवं मां दुर्गा की कृपा से राजा वीरसेन को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसी भक्ति भाव से प्रेरित होकर कामाख्या नगरी में मां बमलेश्वरी का मंदिर बनवाया गया। मां बमलेश्वरी को जगदम्बा, जिसमें भगवान शिव अर्थात महेश्वर की शक्ति विद्यमान है, के रूप में जाना जाने लगा। राजा मदनसेन एक प्रजा सेवक शासक थे। उनके पुत्र हुए राजा कामसेन, जिनके नाम पर कामाख्या नगरी का नाम कामावतीपुरी रखा गया। कामकंदला और माधवनल की प्रेम कथा भी डोंगरगढ़ की प्रसिद्धि का महत्वपूर्ण अंग है। कामकंदला राजा कामसेन के राज दरबार में नर्तकी थी, वही माधवनल निपुण संगीतज्ञ हुआ करता था। एक बार राजा के दरबार में कामकंदला के नृत्य का आयोजन हुआ, परंतु ताल एवं सुर बिगने से माधवनल ने कामकंदला के पैर के एक पायल में नग्न होना व मृदंग बजाने वाले का अंगूठा नकली अर्थात मोम का होना जैसी त्रुटि निकाली। इससे राजा कामसेन अत्यंत प्रभावित हुए और उसने अपनी मोतियों माला उन्हें सौंपकर माधवनल के सम्मान में नृत्य करने को कहा। कामकंदला के नृत्य से प्रभावित होकर माधवनल ने राजा कामसेन की दी हुई मोतियों की माला कामकंदला को भेंट कर दी। इससे राजा क्रोधित हो गया। उन्होंने माधवनल को राज्य से निकाल दिया, लेकिन माधवनल राज्य से बाहर न जाकर डोंगरगढ़ की पहाड़ियों की गुफा में छिप गया। प्रसंगवश कामकंदला व माधवनल के बीच प्रेम अंकुरित हो चुका था। कामकंदला अपनी सहेली माधवी के साथ छिपकर माधवनल से मिलने जाया करती थी। दूसरी तरफ राजा कामसेन का पुत्र मदनादित्य पिता के स्वभाव के विपरीत नास्तिक व अयाश प्रकृति का था। वह कामकंदला को मन ही मन चाहता था और उसे पाना चाहता था। मदनादित्य के डर से कामकंदला उससे प्रेम का नाटक करने लगी। एक दिन माधवनल रात्रि में कामकंदला से मिलने उसके घर पर था कि उसी वक्त मदनादित्य अपने सिपाहियों के साथ कामकंदला से मिलने चला गया। यह देख माधवनल पीछे के रास्ते से गुफा की ओर निकल गया। घर के अंदर आवाजें आने की बात पूछने पर कामकंदला ने दीवारों से अकेले में बात करने की बात कही। इससे मदनादित्य संतुष्ट नहीं हुआ और अपने सिपाहियों से घर पर नजर रखने को कहकर महल की ओर चला गया। एक रात्रि पहाड़ियों से वीणा की आवाज सुन व कामकंदला को पहाड़ी की तरफ जाते देख मदनादित्य रास्ते में बैठकर उसकी प्रतीक्षा करने लगा, परंतु कामकंदला दूसरे रास्ते से अपने घर लौट गई। मदनादित्य ने शक होने पर कामकंदला को उसके घर पर नजरबंद कर दिया। इस पर कामकंदला और माधवनल माधवी के माध्यम से पत्र व्यवहार करने लगे, किंतु मदनादित्य ने माधवी को एक रोज पत्र ले जाते पकड़ लिया। डर व धन के प्रलोभन से माधवी ने सारा सच उगल दिया। मदनादित्य ने कामकंदला को राजद्रोह के आरोप में बंदी बनाया और माधवनल को पकड़ने सिपाहियों को भेजा। सिपाहियों को आते देख माधवनल पहाड़ी से निकल भागा और उज्जैन जा पहुंचा।
उस समय उज्जैन में राजा विक्रमादित्य का शासन था, जो बहुत ही प्रतापी और दयावान राजा थे। माधवनल की करुण कथा सुन उन्होंने माधवनल की सहायता करने की सोच अपनी सेना कामाख्या नगरी पर आक्रमण कर दिया। कई दिनों के घनघोर युद्ध के बाद विक्रमादित्य विजयी हुए एवं मदनादित्य माधवनल के हाथों मारा गया। घनघोर युद्ध से वैभवशाली कामाख्या नगरी पुनर्तः ध्वस्त हो गई। चारों ओर शेष डूंगर ही बचे रहे तथा इस प्रकार डूंगराज्य नगर पृष्ठभूमि तैयार हुई। युद्ध के पश्चात विक्रमादित्य द्वारा कामकंदला एवं माधवनल की प्रेम परीक्षा लेने हेतु जब यह मिथ्या सूचना फैलाई गई कि युद्ध में माधवनल वीरगति को प्राप्त हुआ, तो कामकंदला ने ताल में कूदकर प्राणोत्सर्ग कर दिया। वह तालाब आज भी कामकंदला के नाम से विख्यात है। उधर कामकंदला के आत्मोत्सर्ग से माधवनल ने भी अपने प्राण त्याग दिए। अपना प्रयोजन सिद्ध होते ना देख राजा विक्रमादित्य ने मां बमलेश्वरी देवी बगुलामुखी की आराधना की और अत्यंतः प्राणोत्सर्ग करने को तत्पर हो गए। तब देवी ने प्रकट होकर अपने भक्त को आत्मघात से रोका। तत्पश्चात विक्रमादित्य ने माधवनल कामकंदला के जीवन के साथ यह वरदान भी मांगा कि मां बगुलामुखी अपने जागृत रूप में पहाई में प्रतिष्ठित हो। तब से मां बगुलामुखी अपभ्रंश बमलाई देवी साक्षात महाकाली रूप में डोंगरगढ़ में प्रतिष्ठित है। सन 1964 में खैरागढ़ रियासत के भूतपूर्व नरेश श्री राजा बहादुर वीरेंद्र बहादुर सिंह द्वारा मंदिर के संचालन का भार मां बमलेश्वरी ट्रस्ट कमेटी को सौंपा गया था। डोंगरगढ़ के पहाड़ में स्थित मां बमलेश्वरी के मंदिर को छत्तीसगढ़ का समस्त जनसमुदाय तीर्थ मानता है। यहां पहाड़ी पर स्थित मंदिर पर जाने के लिए सीढ़ियों के अलावा रोपवे की सुविधा भी है। यहाँ यात्रियों की सुविधा हेतु पहाड़ों के ऊपर पेयजल की व्यवस्था, विद्युत प्रकाश, विश्रामालयों के अलावा भोजनालय व धार्मिक सामग्री खरीदने की सुविधा है। डोंगरगढ़ रायपुर से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तथा मुंबई हावड़ा रेलवे के अंतर्गत भी आता है। यह छत्तीसगढ़ का अमूल्य धरोहर है।